जैसे अभी एसएस राजामौली के आरआरआर ने कमाल मचा रखा है, वैसे ही एक वक्त बाहुबली का भी क्रेज बहुत ही ज्यादा था। बाहुबली द बिगिनिंग और कंक्लूजन ने ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े और नए रिकॉर्ड्स बना डाले। और जब बाहुबली सीरीज का एंड हुआ तो इसके फैंस के मन में कहीं ना कहीं इस सीरीज की और मूवीज देखने की चाह तो है ही, और हर फैन यही चाह रहा है कि काश राजामौली सर बाहुबली का एक और पार्ट अनाउंस कर दें। राजामौली सर ने तो इस पर कोई बात नहीं की, पर नेटफ्लिक्स ने व्यूअर्स की पसंद को ध्यान में रखकर बाहुबली 3 बनाने का प्लान किया। ये एक प्रीक्वल था जिसमें बाहुबली का फर्स्ट पार्ट से भी पहले की स्टोरी थी, जिसमें शिवगामी देवी की स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। क्योंकि बाहुबली का क्रेज देखते हुए नेटफ्लिक्स को उम्मीद थी कि इसका एक और पार्ट आना चाहिए और ये उन्हें अच्छी खासी कमाई भी कर दे सकता था। और 2018 में नेटफ्लिक्स की टीम ने बाहुबली 3 पर काम करना भी शुरू कर दिया था और बड़े बड़े सेट्स बनाकर रेडी हुए, शूटिंग भी स्टार्ट कर दी गई और इसमें काफी खर्चा भी हो गया था। पर हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि ये मूवी अब नहीं आएगी, मतलब इसका प्रीक्वल अब नहीं देखने को मिल पाएगा क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उस स्टोरी लाइन में सही बैठ नहीं पा रही थी और बाहुबली का स्टैंडर्ड नेटफ्लिक्स नीचे नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। इसलिए अभी तो हमें बाहुबली 3 देखने को नहीं मिल पाएगी, पर आपको क्या लगता है, इसका थर्ड पार्ट आना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।